गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सादी एंड यू आर वाचिंग द हिमालयन गर्ल यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सो दैट मैं जो भी वीडियोस डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दिख जाएगी और आप मेरे सबसे बड़े व्यूअर जो बन जाएंगे। तो आज मैं फिर से अपने किचन में आ गई हूँ एक अलग सी वीडियो लेके, रक्सा एक तामझाम लेके। अगर आपको यहाँ पे कुछ मैसी सा दिख रहा होगा तो प्लीज इग्नोर इट, क्योंकि आज मैं किचन में हूँ तो थोड़ा सा मैस भी रहना जरूरी है। तो आज मैं जो चीज बनाने जा रही हूँ वो अपने थंबनेल में तो पता लगा लिया होगा कि मैं क्या किसके बारे में बात करें, तो वो आज मैं बनाऊंगी मोमोज। तो मोमोज तो वैसे सबके ही फेवरेट होते हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनके मोमोज फेवरेट ना हो। मेरे तो भाई सच में बहुत ज्यादा फेवरेट है और मैं तो एकदम से बहुत ज्यादा खा जाती हूँ और मुझे क्रेविंग होती है मोमोज की। तो यहाँ पे मैंने जिस तरीके से मोमोज बनाए वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लिप में, आप देख सकती हैं कि मैंने किस तरह से मोमोज बनाए हैं और किस तरह से बहुत ही इजी से मेथड के साथ बनाया है जो कि आप इजीली घर पे बना सकती हैं। तो लेट मी शो यू मैंने क्या क्या यहाँ पे सामान रखा हुआ। वैसे मैंने ऑलरेडी बना ही लिए थोड़े से, तो बीच में मुझे लगा कि मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो जो है उसमें बना ही लेती हूँ, तो क्योंकि आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि व्लॉग होते तो व्लॉग में आपको इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती, जो है उसको एक्चुअल में दिखाना ही अच्छा लगता है व्लॉग्स में। तो अभी वैसे मैं किचन में हूँ तो इवन दो कि मैंने फेस पर भी कुछ नहीं लगाया है, सो एज यू कैन सी बहुत ही नो मेकअप लुक है ये। लाइक मेरे 10-15 शायद मैं भी बना लिए होंगे जो कि मोम डैड सबने खा लिया है, भाई ने भी खा लिया है और मैंने भी एक दो टेस्ट कर लिए थे चुपके से। तो अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मैंने बनाया है और कौन सा बहुत ही ईजी सा एक मेथड मैंने इसको बनाने पे यूज किया है। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी, तो मिलते हैं मोमोज बना के खा के देन। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको अच्छी तरह से इसका डो बना लूंगी। सो गाइज ये हमारा डो जो है मोमोज का वो तैयार हो गया है। सिंपल मैदा है, इसमें मैंने और कुछ नहीं डाला है, सिर्फ एक दो बूंदे जो वो ऑयल की डाली है। आप ध्यान रखिए कि ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ढीला भी नहीं हो जाना चाहिए। तो एज यू कैन सी तो इस तरह का है, बिल्कुल ही लाइक सही सा लग रहा है ये, इसका टेक्स्चर भी अभी। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी। तो साथ में दोस्तों मैंने यहाँ पे जो अपना मसाला जिसको हम स्टफिंग कहते हैं वो मैंने चॉप कर लिया है। इसमें मैंने बंद गोभी डाली है, शिमला मिर्च डाली है, ग्रीन चिली है, इसमें ऑनियन है एंड जिंजर गार्लिक का पेस्ट है इसमें, और अच्छी तरह से सब चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है, ज़्यादा चॉप भी नहीं किया थोड़े से इसमें। हाँ, और इसमें मैंने न्यूट्री जो होती है वो भी डाली है, और साथ में इसमें सॉल्ट एंड चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स, और हाँ इसमें मैंने सीक्रेट डाला है इन्ग्रीडियंट जो है वो मैगी मसाला है, वो आप डाल सकते हैं इसमें ताकि इससे होगा ना बहुत ही अच्छा सा इन्हांस हो जाएगा टेस्ट और बहुत ही यम्मी बनेंगे। एंड इसमें आप चाहे तो स्टफिंग के लिए चीज भी डाल सकते हैं, मटन या चिकन वो भी डाल सकते हैं। कपड़े से ढककर इसको रख दिया था ताकि जो भी इसका एक्सेस वाटर हो ये जो कपड़ा है इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, और ये जो मेरे मोमोज हैं ये बिल्कुल ही ढीले ढीले से वो अजीब से ना बने। और कई बार क्या होता है कि जब हम मोमोज बनाते हैं तो वो खुल भी जाते हैं, तो इस तरह से ये अभी हार्डली 15 से 20 मिनट तक ये मैंने रखा था ढक के। तो अभी आप देख सकते हैं ये किस तरह का हो गया है, ये देखिए बिल्कुल ही लाइक ज़्यादा सख्त भी नहीं है और ज़्यादा ढीला सा भी आटा नहीं है। तो ये अभी गुड टू गो हो गया है हमारा जो ये आटा है मोमो बनाने वाला, लाइक मैदा है जो। तो अभी देखते हैं किस तरह से इसको बनाना है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैंने वो उस आटे की इस तरह की छोटे छोटे जो है बॉल जो है वो बना लिए हैं। तो दिस इज़ माई स्टाइल, मैं इस तरीके से बनाती हूँ, आपको जिस तरीके से भी अच्छा लगता है आप उस तरीके से बना सकते हो, बट ये मुझे जो है सबसे ईजी जो है वो ट्रिक जो लगती है मोमोज बनाने की, तो इसलिए मैं इस ट्रिक से ही बनाऊंगी, मुझे बनाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है इस तरह से, अभी इसको मैं ना अच्छी तरह से इसे बेल लूँगी, जैसे हम रोटी बेलते हैं ना उसे उसी तरह से बेलना है, बट ध्यान रखिए कि किनारे जो हो इसके बिल्कुल थिक ना हो, एकदम से थिन और बैलेंस्ड होने चाहिए। अभी मैं इसमें स्टफ़ करूँगी जो भी मैंने ये स्टफिंग का मटीरियल बनाया है, देन ना मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल जो है वो भी ऐड कर दूँगी स्टफिंग के साथ, सो दैट इससे क्या होगा कि हमारा जो स्टीम जब करेंगे तो वो बिल्कुल डीप तक बिल्कुल स्टीम हो जाएगा, अंदर जो ये स्टफिंग का जो भी मटेरियल है वो भी अच्छी तरह से स्टीम हो जाएगा। तो एक दो बूंदी डालनी है ऑयल की, ज़्यादा डालने की जरूरत है। इस तरह से आपको फोल्ड करने दोनों किनारों को अच्छी तरह से चिपका के, मैंने यहाँ पे कोई भी पानी वानी कुछ ऐसा नहीं इसमें तामझाम किया है, मैंने सिर्फ इसी तरह से इसी तरीके से इसको लाइक बनाया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये बन गया है मेरा मोमोज जो कि हम रेगुलर खाते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ बना के रख लिए थे ऑलरेडी, एंड अभी मैं इस तरह से जो गोल तरह का होता है ना वो भी बनाऊंगी। तो सेम प्रोसीजर करना है आपने, इस तरह से बेल लेना है, लाइक किनारों पे फोकस रखना कि वो ज़्यादा मोटे ना रह जाएं। अब इस तरह से स्टफ़ डाल देना है, मैंने इसमें स्टफिंग जो वो डाल ली है,
स्टफिंग भी एकदम से ये देखना है कि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे 2-3 ऑयल की ड्रॉप्स इसमें डाल दी हैं। अभी ध्यान रखिए कि किस तरह से मैं इसको बनाऊंगी। सेम उसी प्रोसीजर के साथ मुझे दोनों किनारों को फोल्ड करते जाना है, एक के बाद एक इस तरह से तह करके। ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये एक एक पॉइंट देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से बिल्कुल ही आपको ये फोल्ड करते जाना है। एंड देन बाद में जब ये लास्ट का किनारा होगा तो इसको आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये फोल्ड हो गया है। एंड ये गोल वाला जो डम्पलिंग्स होते हैं हमारे मोमोज के, वो बन गए हैं हमारे पास। तो अभी मैंने क्या किया, बहुत ही इजी ट्रिक मैंने यहाँ पे लगाई, क्योंकि ये हर किसी के घर में जो वो स्टीमर नहीं होते, तो मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके ऊपर ये जो होल वाली परात जैसी होती है ना, तो इसको आप इस तरह से रख सकते हैं। ये अल्टरनेट बहुत ही अच्छा होता है। देन आप सभी मोमोज को इसके ऊपर इस तरह से रख दीजिए, बहुत ही चिपका के भी नहीं रखें, ताकि क्योंकि मैदा जब बनता है तो थोड़ा सा ये फूलेगा जब स्टीम होगा। तो इस तरह से आपने पूरे जो अपने मोमोज रखे हैं इनको भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। हर एक इसका जो कॉर्नर होगा उस पर अच्छी तरह से ग्रीस जो है वो कर लेना है। गाइज प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर लेना एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना। सो इस तरह से ग्रीस करना है आपने गाइज। अभी आपको लगेगा कि अच्छी तरह से ग्रीस हो गया तो उसको ढक देना है। एंड अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंग जो आप टाइम सेट कर लीजिए, उसी तरह से मैं ये जो गोल वाले जो मैंने डम्पलिंग्स बनाए थे उनको भी मैंने इस तरह से रख दिया है, टाइम सेट कर लिया है। बीच में एक बार चेक ज़रूर कर लेना है कि ये बन गए या नहीं बने हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये बन गया, हार्डली आपको 10 या 15 मिनट तक इस तरह से इतनी ही आँच पर रखना होगा, 300 या 800 तक रख सकते हैं, सिम में रख सकती हैं। अभी आपको इस तरह से ये बन गए हैं तो अभी देख सकते हैं आप कितना ही प्यारा इसका टेक्सचर आया है। आपको इसको लाइक फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि इस तरह से ही बनाएं और इस तरह से ही खाएं। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम, बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। ट्रस्ट में एक बार ज़रूर ट्राई करना अपने घर में और ज़रूर खाना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जो भी यहाँ पे मोमोज लगे। फाइनली जो वो मोमोज मेरे बन गए हैं, तो फाइनली मैंने बना लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा हैवी टास्क हो जाता है इनको बनाना। ऑलरेडी सभी घर वालों ने खा लिया है, सभी दे आर वेरी हैप्पी। वो बहुत सभी कह रहे हैं कि बहुत ही टेस्टी बने हैं, तो मैं अभी आपको टेस्ट करके एक बताती हूँ कि कैसे बने हैं। देन हियर वी गो, तो इस तरह से। मैं टेस्टी हैं बहुत ज़्यादा। इसमें जो मसाला है वो भी इक्वल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है एंड मिर्ची भी नहीं है इसमें ज़्यादा। तो ये लाइक आप लोग इसको खा सकते हो, और ये मैंने बिल्कुल हल्के वाले बनाए हैं। इसको खा के आपको ऐसा नहीं होगा कि पेट हैवी सा हो जाएगा, और ऐसे होता है ना जब मोमोज खा के ऐसे एसिडिटी टाइप हो जाते, तो इसको खा के वैसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने हर एक चीज़ जो क्वान्टिटी में डाली है। एंड मैंने इनको फ्राई नहीं किया है, मैं बॉइल्ड मोमोज ही खाना पसंद करती हूँ। अगर आपको फ्राइड अच्छे लगते तो आप फ्राइड भी कर सकते हैं इसको। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, मुझे खाने हैं ये। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने अपना का ध्यान रखिए। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।